तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां पे मैच होगा स्टेडियम में। तो ये देखिए यहां पे काफी सारी महिलाएं अभ्यास कर रही हैं, अभी क्रिकेट मैच शुरू नहीं हुआ है। तो काफी गांव से आ रखी है महिला मंगल दल अपनी अपनी टीम बना के। शांति ने और श्री राजेश खंडारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच के पारितोषिक से नवाजे। शांति ने जो है कोटा के खेमे में अशांति फैला दी आज, बहुत बढ़िया उनके द्वारा प्रदर्शन। तो कैसी है जलेबी, अच्छी बनी है? मतलब गजब। चलो भाई, राहुल भाई ने बोल दिया गजब बनी है तो गजब ही बनी होगी, हम भी खाते हैं। तो मिलिए आप अभिनव राहुल भाई से। नमस्ते भैया, डना मैडम यूट्यूबर साहब, जरा कुछ बोल दिया जरा थोड़ा बोलो ना। अरे तुम्हारा ब्लॉग तो मध्य प्रदेश थोड़े में मौज देगा, ऊँच बादल तुम थे मिला था ना तो जरूर बात कर बल तुम देख बस। नमस्कार, आप भी बहुत बहुत बधाई हो, आप टीम जीत गई, हमारे क्षेत्र में मैच होना चाहिए। हाँ, जीते कोई भी महिला है, बात की महिला बहुत बढ़िया। धन्यवाद भेजे आप, अगर बहुत बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं संजय रावत और आप सभी का स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों भी एकदम बढ़िया है, आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह के 10 बजे से। और आज हम जा रहे हैं फरसाड़े में, तो फरसाड़े में आज से टूर्नामेंट शुरू है। तो आज मनोरंजन के तौर पर आज महिलाओं का क्रिकेट रखा गया है, तो आज सभी गाँव के महिला मंगल दल जिन्होंने टीम बनाई होंगी तो वो वहाँ पर खेलेंगी। आगे का ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए। और पीछे है मम्मी जी, तो मम्मी जी भी जा रही है मेरे साथ। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? आज हम फरसाड़ी जा रहे हैं। हाँ, एंजॉय करने के लिए। अच्छा। थोड़ा हमने कहा महिला मंगल दल का मैच देख के आते हैं। हाँ। कौन सी ग्राम सभा की महिलाएं अच्छी खेलती है, अच्छे आगे मतलब आगे उसमें फाइनल में जाती है। हाँ जी, हाँ जी, देखने के लिए जा रहे हैं वही। तो चलिए चलते, थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम भी चलते हैं। चलते हैं तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपको सीधा फरसाड़ी में, बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं फरसाड़ी में और आज इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा फरसाड़ी मार्केट, आगे को भी है थोड़ा और गाड़ियों की आज बहुत सारी भीड़ हो रखी है। तो चलिए अब चलते हैं हम भी आगे को, और लगता है यहाँ पे तो मैच शुरू भी हो चुका है। तो मैंने बताया था कि आज महिलाओं का मैच होने जा रहा है, उसके यहाँ पे बन रही है जलेबियाँ। उनका बहुत बहुत स्वागत है नए पंचायत फरसाड़ी में, फरसाड़ी इनक्रेडिबल प्रीमियम में लीग 2024। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां पे मैच होगा स्टेडियम में। तो ये देखिए यहां पे काफी सारी महिलाएं अभ्यास कर रही हैं, अभी क्रिकेट मैच शुरू नहीं हुआ है। तो काफी गांव से आ रखी है महिला मंगल दल अपनी अपनी टीम बना के। चौहान उनका भी क्षेत्र में महिला क्रिकेट आयोजन हो रहा है, अभी तक जो है 28 टीमों ने प्रतिभा कर दिया है, 28 टीमें आ रखी है और बढ़ गई है, 29 टीमों ने प्रतिभा कर दिया है। तो अनाउंसमेंट हो रहा है 29 टीमें आ चुकी है, 29 टीमें स्वागत करती है। पहुंचती हुई जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सभी को नूतन वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आयोजन समिति की ओर से तो हमारे बीच धीरे धीरे हमारी आज की मुख्य अतिथि पहुंचती हुई, जबकि मंचाल सीन है विकासखंड बीरूखाल के प्रथम नागरिक श्री राजेश कंडारी जी। आयोजन समिति की ओर से
कुछ ही समय पश्चात इस क्रिकेट महाकुंभ के जो खेल का है तो यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं श्रीमान श्री इसमें भूमि पूजन किया जा रहा है। हर वर्षों की भांति यहाँ पर हर वर्ष भूमि पूजन का आयोजन किया जाता है। भूमि पूजन का कार्यक्रम चलता हुआ हमारे मुख्य अतिथियों से भेंट होते हुए हो गया जरा कुछ फसल एक बुरा जी श्री प्रेम सिंह रावत जी पूरा लगाओ जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय श्रीमती शांति देवी श्रीमती शांति देवी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय दी जाएगी विकास खंड वीरू खाओ के प्रथम नागरिक संरक्षक महोदय श्री राजेश कंडारी जी जबकि चौथी हरी झंडी देंगे वीडियो साहब श्री हेमंत सिंह भयाल जी तो यहाँ पे मैच शुरू धूल नहीं उड़ा तू धूल उड़ाने है क्या क्या कर तू मैच देख है एक रन हो गया पता नहीं एक मिलियन व्यूज पकड़ लिया आप दिन में वेम थे क्या अच्छा यार है कैसे ना 3 मिलियन चैनल भी मोनेटाइज हो गया। यहाँ पर हमारे संदीप भाई भी पहुँच गए हैं ये देखिए मैच देखने के लिए तो क्रिकेट मैच भी शुरू हो चुका है। एक बार फिर सभी का स्वागत जरूर विद्युत संचार क्षमा चाहते हैं अपनी महिला क्रिकेट टीमों से और जो भी यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि आज पहुँचे हैं उनसे भी क्षमा चाहते हैं। तो आज का पहला महिला क्रिकेट मुकाबला और बढ़िया क्षेत्र अच्छा सर जॉन चौका और 1500 रुपए अलका ने 1500 रुपए भाई ऐसे यहाँ पर चौकी अलका के द्वारा विकासखंड बीनू खाल में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन आयोजन समिति कुंडेश्वर क्रीड़ा समिति और बढ़िया निर्णय समिति के द्वारा रांची का तीसरा मुकाबला लाची वर्सेस कोटा पेपर के जवाब में समय लाची बल्लेबाजी करते हुए लेकिन सबसे बाहर व्हाइट का इशारा 30 टीमों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। चार चौके एक छक्का श्रीमती शांति देवी जी भंडारी जी के द्वारा भी यहाँ पर देखिए दोस्तों दर्शकों का
का भी क्या जुनून, और यहाँ पर लाची की टीम जीत चुकी है और टीमों को भी बहुत अच्छा कर दिया है कि भैया लाची के से काम नहीं, एकदम खतरनाक भी। बहुत बहुत बधाई हो लाची की टीम को। दो छक्के भी लगाए हैं तो श्री मैत्री प्रकाश जी से हमारा आग्रह शांति ने, और श्री राजेश खंडारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच के पारितोषिक से नवाजे। शांति ने जो है कोटा के खेमे में अशांति फैला दी आज, बहुत बढ़िया उनके द्वारा प्रदर्शन। रियाली सारों की टावर तोड़ पारी, दो छक्के आपके द्वारा लगाए गए, 2000 रुपए श्रीमती शांति देवी जिला अध्यक्षा के द्वारा, 100 रुपए पंकज जो कि SBI में कार्यरत है, कार्ड के पद पर कार्यरत है, 100 रुपए उनके द्वारा, और चार चौके श्री मंजित कंडारी जी आप खुद ही दें, 2001 रुपए 1100 रुपए श्री राजेश कंडारी जी के द्वारा, और नरेंद्र नरेंद्र जी के द्वारा बैठना, खमाऊ से कल्याण सिंह जी लाची की टीम के लिए 1100 रुपए रामशील जी आप भी दीजिए, लाची की टीम के लिए ग्राम सभा प्रधान लाची की ओर से 500 रुपए लाची की टीम के लिए, लाची के लिए पटवाल जी अनिल पटवाल जी की भी उतारो 500, 200 रुपए नरेंद्र, 100 रुपए नरेंद्र रावत मैठाना, लाची की टीम के लिए जसवंत सिंह जी रावत यूट्यूबर एंड राजस्थान से शुरू, और लाची बरगा काशी, और कोटा के जो अमृता सुनीता देवी की तरफ से 100 रुपए विपक्षी टीम जो है कोटा अलका 400 के 2000 रुपए, और 1100 रुपए राजेश कंडारी जी के द्वारा खिलाड़ियों के लिए, और कोटा टीम के लिए 501 रुपए श्री अनिल पटवाल जी की भी उत्पादक। और इस समय वाइट का इशारा, तो कृपया शिवानी है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है अंजलि, जबकि गेंदबाज सुकई की ओर से। तो दोस्तों मैच अभी चल ही रहा है और हमें काफी दूर जाना है अपने घर, तो निकलते हैं अब चलते हैं। ये देखिए कितनी सारी भीड़ लगी है, ये देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ तक बैठ सके हैं लोग, दर्शक दीर्घा की भीड़। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी जलेबी भी लेते हैं, अब जब आए गए हैं तो मुँह मीठा भी कर ही लेते हैं। ब्लॉगर साहब, ये तो ब्लॉगर कमी नहीं जा। तो कैसी है जलेबी, अच्छी बनी है? मतलब गजब। चलो भाई, राहुल भाई ने बोल दिया गजब बनी है तो गजब ही बनी होगी, हम भी खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गए हमारे जाने माने ब्लॉगर गायक, उनकी गायकी के तो कई लोग दीवाने हैं, तो हमारे अभिनव रावत भैया जी, तो मिली आप उनसे, तो आ चुके हैं, तो मिलिए आप अभिनव रावत भाई से। नमस्ते भैया, जने मने यूट्यूबर साहब, जरा कुछ बोल दिया जरा थोड़ा बोलो ना। अरे तुम्हारा ब्लॉग तो मध्य प्रदेश थोड़े में मौज देगा, ऊँल बादल तुम थे मिला लेना तो जरूर बात कर बल तुम देख बस। नमस्कार नमस्कार, आप भी बहुत बहुत बधाई हो, आप यहाँ टीम जीत गई, हमारे क्षेत्र में मैच होना चाहिए। हाँ जीते कोई भी महिला है, बिहार की महिला नहीं है, बनारस संगीत का भी है, क्षेत्र बहुत बढ़िया। धन्यवाद भेजे आप, अगर बहुत बहुत।
अब चल रहा है नौगांव और सुकाई के बीच मैच और हम चलते हैं। काफी टाइम हो चुका है, देर हो गई है और हमें घर भी पहुंचना है। तो यहाँ पे जलेबी भी मिली है और ये देखिए लाची वाले खुश हो रखे हैं और अभिनव रावत भाई से ब्लॉगिंग में भी शामिल हो रहे हैं। तो अभिनव रावत भाई उनका ब्लॉग बना रहे हैं, ये देखिए। और श्रीमती शांति देवी दीदी जी जो कि मैन ऑफ द मैच लेके गई हैं, वो हमें ट्रॉफी भी दिखा रही हैं, ये देखिए। तो बहुत बहुत बधाई हो लाची वालों को, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने मैच खेला, ये देखिए। गाड़ियों की भीड़ देखिए दोस्तों, ये देखिए। और मैच जारी है और अब हम निकलते हैं घर के लिए, तो मिलते हैं अब आपको सीधा घर पे। दोस्तों हम भी पहुंच चुके हैं घर पे और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।